राज्य के पशुपालन और खेल मंत्री सुनील केदार चंद्रपुर के दौरे पर आए और इस दौरान उन्होंने जिला क्रीडा संकुल में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर छत्रपति पुरस्कार विजेता राजेश नायडू के साथ कुंदन नायडू ने उन्हें निवेदन सौंपकर छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों के लिए पेंशन और खेल नीति में सुधार की मांग की। महाराष्ट्र के पशुपालन और खेल मंत्री सुनील केदार आज चंद्रपुर के दौरे पर आए थे और इस दौरान वे चंद्रपुर क्रीड़ा संकुल पहुंचे तथा वहां पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राजेश नायडू तथा शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता कुंदन नायडू ने उन्हें निवेदन सौंपा। इस मौके पर अन्य मान्यवरों में विधायक किशोर जोरगेवार, कांग्रेस ग्रामीण के जिला अध्यक्ष प्रकाश देवदड़े के साथ कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेतागण तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। साथ ही इस दौरान क्रीड़ा संकुल के अधिकारियों की भी उपस्थिति थी। निवेदन देते समय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राजेश नायडू ने छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों के लिए पेंशन और खेल नीति में सुधार लाने के लिए मंत्री महोदय से आग्रह किया और इस मौके पर महाराष्ट्र के पशुपालन और खेल मंत्री सुनील केदार ने राजेश नायडू की हर बात को काफी ध्यान से सुना। तो सुनिए इस मौके पर राजेश नायडू ने राज्य के खेल मंत्री तथा पशुपालन मंत्री से निवेदन के दौरान क्या मांग की। अपने महाराष्ट्र शिव छत्रपति नावाने सर्वोच्च क्रीड़ा पुरस्कार देण्यात येतो। पण सर आज असं आहे की कुंदन नायडू पण बेरोजगार आहे, मला ठीक आहे बेरोजगार आहे पण मला गरज नाही होती रोजगारची। असे सैकडो शिवछत्रपती पुरस्कारित खेळाडू आहे जे सब्जी विकत आहे नाहीतर भीत भागात आहे अशी आहे। तर मी याच्या दरे अशी मागणी करतो तर भाऊ रोजगारदारांनी साथ दिलेला आहे मला, तुमच्या हाताने एक ऐतिहासिक फैसला घडू द्या। छत्रपती पुरस्कार खेळाडूंना एक पेन्शन लागू करा। केंद्र सरकारने ऑलरेडी काही स्पोर्ट्सना लागू केलेलं आहे, पंजाबमध्ये, केरळमध्ये, यूपीमध्ये ऑलरेडी त्यांच्या स्टेट लेवलच्या पुरस्कारी खेळाडूंना पेन्शन लागू करण्यात आलेली आहे। आणि साहेब सोबत मी भाऊला बोललो होतो जसा इकडे 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 साहेब करोडो रुपये लागत आहे पण खेळाडूपर्यंत एक रुपये पोहोचत नाही। तर साहेब जर या इकडे काही सदनिका बांधण्यात आली, काही दुकाने बांधण्यात आली, त्यांना चालवण्यात त्यांच्याकडनं किराया घेऊन त्यांना चालवण्या त्यांना काहीतरी पोटपाणीसाठी जे होईल सोय होईल हे पूर्ण प्रस्ताव मी दिलेला साहेब। आपल्याला विनंती आहे आपल्या हाताने ऐतिहासिक फैसला होऊ द्या। आणि फॉलोअप करा सर, हो जास्त काही नाही फॉलोअप करा। 500-600 खेळाडू आहे ज्यांना छत्रपती मिळालेला आहे। तर साहेब पेन्शन त्यांना लागू झालं तर खूप खेळाडू इकडे येणार साहेब, त्यांना प्रसन्न आहे।